सभी का मंगल हो। नमस्कार। घर परिवार के अंदर दूसरी कड़ी में ये बात आती है कि बहू का बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाना या उदास रहना, चुप चुप रहना, जैसा भी कुछ है, पति के प्रति भी खिचलाहट सी रहना, ससुराल में काम में अचानक उदासीनता बन जाना, बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि अचानक क्या हो गया। पहले तो बहुत बोलती चलती थी, अच्छी थी, सब तरह से ठीक थी, या बाय द वे इतना चुप चुप रहती है, क्या करना। तो इससे पहले की जो वीडियो बनी उसमें एक पॉइंट दे दिया। दूसरा पॉइंट ये भी है कि बहू का अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहना, जिसके कारण से घर परिवार में दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि अपने पियर को लेके हमेशा चिंतन किए रखना। ये बड़ी भारी दुविधा है भारत के अंदर, इसका कोई भी निवारण या नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूँ, उन बहुओं को बहुत सजग रहना चाहिए कि आपको समाज ने, आपको शास्त्रों के द्वारा, अपने कहते धर्म के द्वारा आपको समाज ने एक अलग परिवार में भेजा, जहाँ पे वहीं आप बेटी बहू बन के रहिए, सारा दिल दिमाग वहीं लगाइए आप, ज़्यादा अच्छा है आपको। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या, थोड़ा बहुत आप चिंतन करिए, अगर आपके बस में कुछ तो आप करिए, लेकिन बस हमेशा फ़ोन वहीं किए रखना, उन्हीं की बातों में खोए रखना, उधेड़बुन में लगे रखना, तो आपके बच्चे हैं तो बच्चों को दिक्कत पैदा हो जाती है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान मान जाता है पति के प्रति नहीं जाता, ससुराल के प्रति जो घर के काम काज उसमें मन नहीं लगता है, दिमाग सारे समय उसी उधेड़बुन में लगा रहता है, या हमारा और भी कोई वगैरह चिंतन हो सकता है इसके अलावा भी। तो इसको रोकना किसका काम है, इसको रोकना आपका काम है, अगर आपको अपनी गृहस्थी बहुत अच्छी चलानी है तो। और ये कहने से काम नहीं चलता, देखिए जी कोई लड़की पियर से कट थोड़ी सकती है, या कोई बात करता है पियर का छोड़ थोड़ी सकती है। देखिए मेरी एक बात सुनिए, आपको कोई मोह खत्म करने के लिए नहीं कहा, आपको उनका साथ छोड़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन उनकी उनके कर्म वो जाने, जो कुछ चला चला, आपसे कोई थोड़ी बहुत सलाह देनी हो दे दो, नहीं तो अपना चुप लगाओ, अपने परिवार को निबेड़, कहते ना अपनी निबेड़िए, अपने परिवार को देखिए आप, अपने परिवार को खुश रखिए और अपने शरीर को खुश रखिए, वरना उसी में उलझे रहोगे, ना अपने शरीर के रहोगे, ना क्या कहते परिवार, अपने ससुराल में अपने पति बच्चे औरों के रहोगे। नमस्कार, मंगल कामना, समझदार को इतना ही बहुत है। इशारा मंगल।